वर क्लास इज मी। तो बच्चों आज हम क्लास एट लर्न बेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 प्रोडक्शन इसके क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास में इसके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो या फिर चैप्टर एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो उस प्लेलिस्ट में सारी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड हैं, तो आप वहाँ जाके किसी भी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ MCQs टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनमें से किस में होता है? तो हाइड्रा और अमीबा, ठीक है, दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा में होता है आपका वडिंग और अमीबा में होता है आपका बाइनरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी टेक प्लेस इन द, ठीक है, मतलब फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी जगह पर होता है, कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है तो उससे क्या रिजल्ट फॉर्मेशन होता है? तो वो उससे जायगोट जो है वो बनता है और जायगोट आगे डेवलप होता है तो एम्ब्रो बनता है और एम्ब्रो आगे डेवलप होता है तो फीटस बनता है। तो इसका आंसर है आपका जायगोट। फोर्थ क्वेश्चन है द फीटस इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ, ठीक है, फीटस किसके रिपीटेड डिवीजन से फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है एम्ब्रो। अभी बताया था मैंने एम्ब्रो का जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फीटस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग के। पहला क्वेश्चन है एनिमल दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली मेथड से जो एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके हमें नेम बताना है। तो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था अमीबा और हाइड्रा दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, उन एनिमल्स का नेम हमें राइट करना है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें हैन है, काउ है, डॉग है, ठीक है, ह्यूमंस है। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है एनिमल दैट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है किन एनिमल्स में होता है? तो इसमें भी मैंने काउ और बफेलो लिखा है। आप काउ, बफेलो, ठीक है, और हैन भी लिख सकते हो, ह्यूमंस भी लिख सकते हो, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे बटरफ्लाई और फ्रॉग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बटरफ्लाई में और फ्रॉग में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बी फॉरस एनिमल्स। ठीक है, बी फॉरस एनिमल्स कौन होते हैं? तो बी फॉरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे काउ है, डॉग है, बफेलो है। ठीक है, ह्यूमंस भी बीबी फॉरस है। ठीक है, तो इसमें ये आएंगे। आगे देख रहे हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें है रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली बाय द चेंजिंग अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स है, ठीक है, तो ये इनको चेंज करना है और इनकी जगह सही वर्ड राइट करना है। तो देखो एन या ए हैज हैड मिडिल पीस और टेल। ठीक है, तो ओब्यूम के जो है ये पार्ट नहीं होते हैं, ये पार्ट स्पर्म के होते हैं। तो राइट आंसर इज स्पर्म। नेक्स्ट है द फीटस डेवलप इन द फॉलोपियन ट्यूब। तो ये बिल्कुल गलत है, फीटस जो होता है वो यूट्रस में डेवलप होता है। मैंने अभी जस्ट पीछे भी इसका आपको आंसर बताया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी फ्यूजन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल है बाइनरी फ्यूजन, जो कि अमीबा में होता है। ठीक है, एसेक्सुअल का मेथड है। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है।
नेक्स्ट है एसरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसका एसरेशन पढ़ लेते हैं। एसरेशन है द यूट्रस इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेल्स में यूट्रस होता ही नहीं है, ठीक है, फीमेल्स में होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और इसका रीज़न भी पढ़ लेते हैं, तो देखो द फीटस डेवलप इन टू द फॉलोपियन ट्यूब, ये भी बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, फीटस जो होता है वो यूट्रस में डेवलप होता है, तो यानी यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है। सो आंसर इज फोर्थ, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि केस बेस्ड स्टडी है। इसमें आपको एक पैराग्राफ गिवेन है, तो आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनमें से कौन एग्जांपल है? तो बडिंग एसेक्सुअल है, बाइनरी भी एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल है। इट मीन्स इसका राइट आंसर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे ही एसेक्सुअल के टाइप हैं। ओके, नेक्स्ट है द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? तो स्पर्म कहते हैं मेल गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट्स को ओव्यूम कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, द स्पर्म एंड ओव्यूम फ्यूज टू फॉर्म। स्पर्म और ओव्यूम, ठीक है, एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये जायगोट की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेरिसोड टाइप के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स कौन से हैं? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन के मोड हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि बिल्कुल भी वीडियो पर लाइक नहीं आते हैं, जबकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये आप अच्छे से जानते हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है, जो कि बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होता है। तो मैंने अभी जस्ट पीछे भी बताया आपको कई बार, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है, और अमीबा बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दैट टू ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली मतलब जो अंडों से पैदा होते हैं, मतलब जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे हैन है, फ्रॉग है। ठीक है, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और एग्स से इनके जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर ओविपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग इन फीमेल। ठीक है, फीमेल में जो एग प्रोड्यूस होते हैं तो वो किस ऑर्गन से होते हैं? तो ओवरीज। ठीक है, ओवरी से एग प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज से एग प्रोड्यूस होते हैं। ओवरीज जो होती है फीमेल में दो होती है, और मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन बडिंग। ठीक है, तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। ये मेरे जो है सेल्फ रिटन आंसर्स हैं बाय खंडवाल क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन बडिंग, इन दिस मेथड ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स, मतलब बडिंग प्रोसेस में एक स्मॉल बर्ड्स लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होता है, जो कि हम उसे बर्ड कहते हैं। और ठीक है, ये जो है जिस एनिमल की बॉडी, मतलब एनिमल की बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है, तो बडिंग प्रोसेस से हाइड्रा पर रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जिट कॉपी ऑफ ए कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्लोनिंग से क्या होता है, एग्जिट कॉपी एक तरह से बनाई जाती है। ठीक है, ए सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट, मतलब इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट से या फिर उसकी सेल को लेके एक एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है, इट मीन्स क्लोन किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉन सेक्सुअल मेथड, मतलब इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, ये नॉन सेक्सुअल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, वाई इज रिप्रोडक्शन एन एसेंशियल प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस क्यों है, रिप्रोडक्शन एक ज़रूरी प्रोसेस क्यों है? बिकॉज, आंसर देखो, बिकॉज रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द वेरियस स्पीशीज, मतलब रिप्रोडक्शन से ही जो
कंटिन्यूटी बनती है स्पीशीज की, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तो नए नए जो है ऑफ स्प्रिंग एक तरह से प्रोड्यूस होंगे और ऑफ स्प्रिंग उस स्पीशीज को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा का रोल क्या है? तो प्लेजेंटा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विच ग्रो एट द प्लेस वेयर द एम्ब्रियो फिक्स, यानी कि जहाँ पर एम्ब्रियो फिक्स होता है मतलब यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस है ये, यूट्रस में जहाँ पर एम्ब्रियो फिक्स होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्लेजेंटा ग्रो होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्लेजेंटा ये पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट से जो है बेबी को, ये जो आप ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये प्लेजेंटा है, इससे बेबी को क्या मिलता है, फीडिंग होती है, मतलब बेबी जब डेवलप होता है, ठीक है, तो इससे वो है, इससे इसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, तो इस ट्यूब को बोलते हैं प्लेजेंटा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं लॉन्ग का। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन अमीबा, अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो कैसे होता है, सपोर्ट योर आंसर विद ए डायग्राम। तो इसमें आंसर भी देना है और डायग्राम भी जो है आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें आपको ये आंसर लिखना है, देखो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जैसा बन रहा है कम्प्लीट, और इसमें आपको लिखना है, इन दिस मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम जो कि अमीबा होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता है इनटू टू इंडिविजुअल, मतलब एक अमीबा दो इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई, यानी सबसे पहले जो है जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिंगल न्यूक्लियस है, आगे जाके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिंगल है बट यहाँ पर देखो टू बनने की कोशिश हो रही है, मतलब टू में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स पूरी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर देखो कम्प्लीट बिल्कुल अलग हो गई है, यहाँ पर ये फिक्स थी बट यहाँ पर अलग हो गई है, ठीक है। तो दिस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है टू पार्ट्स में तो साइटोप्लाज्म भी आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट जो होता है वो एक रिसीव करता है न्यूक्लियस को, मतलब हर पार्ट में एक ही न्यूक्लियस आ जाता है, जैसे इस पार्ट में एक न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें भी एक न्यूक्लियस आ जाता है और सेपरेट दो बॉडी हो जाती है, मतलब एक सिंगल अमीबा से सेपरेट टू बॉडी हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं डॉटर अमीबा, ठीक है। फाइनली टू डॉटर अमीबाज आर फॉर्म्ड, मतलब फिर दो डॉटर अमीबाज फॉर्म हो जाते हैं हैविंग साइटोप्लाज्म विद वन न्यूक्लियस, मतलब जिनमें खुद का साइटोप्लाज्म होता है और खुद का ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो आप ये पार्ट देख रहे हो, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो पूरा, ये साइटोप्लाज्म है, तो देखो आधा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, साथ साथ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर जाके आगे जाके जो बॉडी है वो भी एक तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब दो डॉटर अमीबाज बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवरी फ्यूजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ वुमन स्पर्म, मतलब इसमें हमें वुमन के स्पर्म के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और इसमें भी हमें आंसर बनाना है, ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन में भी आंसर मतलब जो है डायग्राम बनाना है और इसमें भी वुमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है। तो देखो ये वाली लाइन तो नहीं लिखनी आपको, यहाँ से करना है आपको, स्पर्म इज ए सिंगल सेल, स्पर्म जो होता है एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, ठीक है। इट हैज़ थ्री पार्ट्स, मतलब स्पर्म के तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है विद ए न्यूक्लियस और एक मिडिल पार्ट होता है और एक लॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है। द टेल हेल्प अस टू स्पर्म टू मूव एंड रीच द एग सेल, मतलब जो टेल पार्ट होता है, ठीक है, वो एक तरह से स्पर्म को मूविंग में हेल्प करता है ताकि वो एक तरह से पहुंच जाए कहाँ तक, एग सेल तक, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है वो आप राइट कर लो, ठीक है, इसका डायग्राम भी है पीछे, हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो ह्यूमन स्पर्म है इसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, हमारा जो स्पर्म होता है मतलब जो गैमेट्स होता है, ठीक है, जो कि
ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ऑफ स्प्रिंग इसी से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है, ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है मिडिल पार्ट होता है, और ये टेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो टेल होती है, ठीक है, ये इसको फॉरवर्ड मूवमेंट देती है, मतलब आगे की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है ताकि ये एक्सहेल तक पहुँच जाए। तो ये डायग्राम आपको भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन बिलो इन द डायग्राम, मतलब ये डायग्राम दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसे लेबल करना है, ठीक है, मतलब इसमें जो है नेम राइट करने हैं, ठीक है। तो पहला है द एग इज फॉर्म, ठीक है, एग जो होते हैं कहाँ फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एग जो होते हैं वो ओवरी में फॉर्म होते हैं, जैसे हमारे जो एग्स होते हैं वो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, बट हमारे एग नहीं होते, हमारा स्पर्म होता है, ठीक है। हमारा जो गैमेट्स होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, मतलब मेल के गैमेट्स को, और फीमेल के जो गैमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एग। तो एग जो होता है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, जबकि स्पर्म जो होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेल में, टेस्टिस से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टिपलिस, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, ये दो ओवरीज हैं, तो यहाँ से हमारा मतलब जो एग्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो है यूट्रस में होता है, ये पोलो पार्ट जो होता है इसको यूट्रस कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है। तो हमें ये जो पिक्चर है इसमें नेम इसको नेमिंग करना है, मतलब इसमें नेम राइट करने हैं, ठीक है। द फीटस डेवलप, फीटस कहाँ डेवलप होता है, तो फीटस भी जो है यूट्रस में ही डेवलप होता है, ठीक है। और बाकी के मैंने यहाँ पर दो नेम भी लिखे हैं, जैसे ये जो पार्ट है ये वेजिना पार्ट है, और जो वेजिना और यूट्रस के बीच वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सी के बाद में डी कहाँ है इसमें, इसमें डी तो है नहीं। एक्सप्लेन हाउ ये जायगोट डेवलप इनटू फीटस, मतलब जायगोट जो होता है वो फीटस में किस प्रकार से डेवलप होता है, तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर लिखना है आपको यहाँ से, द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल, मतलब जायगोट जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। द सेल देन बिगन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू टिश्यू, और जो इस सेल होती है वो आगे टिश्यूज डेवलप करती है, और टिश्यूज आगे जाके ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया था तो अच्छे से पढ़ा है कि सबसे पहले सेल डेवलप होती है, सेल से और टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी तैयार होती है। तो जो यहाँ पर ऑर्गन बनता है उसे हम एम्ब्रो कहते हैं, और एम्ब्रो आगे जाके, ठीक है, जो यूट्रस होता है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस से जो है प्लेसेंटा के द्वारा उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं। ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, तो ठीक है उससे जो है न्यूट्रंस उसको मिलते हैं उस बेबी को, और जो प्लेसेंटा होता है वो फिक्स होता है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था। आफ्टर 8 वीक, मतलब 8 वीक के बाद, ठीक है, जो वो एम्ब्रो होता है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स मतलब एक तरह से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जैसे हैंड्स है, लेग्स है, हेड्स है, ठीक है, आईज है, मतलब ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस, मतलब जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं एम्ब्रो के, तो ये वाले स्टेज को फीटस बोलते हैं। फिर जो फीटस होता है, ठीक है, वो करीब 36 वीक के बाद में, ठीक है, वो धीरे 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 डेवलप होता है, और एक ही तरह से बेबी के फॉर्म में बन जाता है, मतलब एक कंप्लीट बेबी बन जाता है, और वो रेडी हो जाता है बॉर्न के लिए, मतलब जन्म के लिए, ठीक है। और जब तक, मतलब 36 वीक तक, ठीक है, उस बेबी को जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। और जब वो बेबी बॉर्न हो जाता है उसका, तो उस प्लेसेंटा को डॉक्टर्स कट कर देते हैं, क्योंकि उसे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उसे न्यूट्रिशंस बाहर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF, IVF का फुल फॉर्म क्या है, और एक्सप्लेन करना है कि IVF जो टेक्निक है वो क्या है एक्चुअल में। तो देखो, IVF जो होता है, पहली बात तो जो वोमेंस होती है जिनका फॉलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं, अगर वो ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर ये चैप्टर, मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, सोच रहे होंगे कि सर ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं कर रही,
वो ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये जो वीडियो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के मोटिव से है। अगर आपको ज़्यादा ही समझना है तो मैंने एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ से जाके इस चैप्टर को कम्प्लीट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो जिन पोमेंस का जो क्या बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है, तो जो स्पर्म है ठीक है उनके एग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, इट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर उनको एक तरह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उस टाइम पे हम एक IVF टेक्निक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो होते हैं मेल, मतलब जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल के जो एग्स होते हैं ठीक है, उनको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, और टेस्ट ट्यूब में उसे कुछ घंटे के लिए लेबोरेटरी में हम उसको रख देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब जायगोट कंप्लीट बन जाता है कुछ वीक्स के बाद में ठीक है, तो उस जायगोट को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल यूट्रस में, मतलब फीमेल यूट्रस में उस जायगोट को रख दिया जाता है। जब जायगोट फीमेल के यूट्रस में रख दिया जाता है तो वो जायगोट जो होता है वो आगे फीमेल के यूट्रस में ही डेवलप होता है। ठीक है, और इस टाइप से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से जो है नए बेबीज एक तरह से बनाए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं। लॉन्ग टाई के क्वेश्चन आंसर के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि डिफरेंशिएट है। तो पहले हम डिफरेंशिएट देखते हैं सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, फिर देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर टेस्ट ट्यूब, सॉरी टेस्टिस और ओवरी, फिर ओविपोरस और विपोरस। तो देखते हैं सभी का आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो टू इंडिविजुअल सेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक मदर होता है और एक फादर होता है, तो ये पहला तो ये है। और जबकि असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है ठीक है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें जो होते हैं गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मदर का स्पर्म, सॉरी फादर का स्पर्म और मदर का एग दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि असेक्सुअल में कोई गैमेट्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल इसमें क्या होता है न्यू स्प्रिंग, न्यू जो ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब जो न्यू बच्चा जो होता है, न्यू बेबी जो होता है ठीक है, उसके फीचर्स जो होते हैं दोनों ही पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। और जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल होता है ठीक है, वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से, मतलब पेरेंट के बिल्कुल एग्जिट कॉपी होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल में। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन बी, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ठीक है, वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होता है, जबकि इंटरनल फीमेल बॉडी के इनसाइड में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फिश है, फ्रॉग है, स्टार फिश है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और मैमल्स में होता है। ठीक है, मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हुमन्स डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, तो हम भी मैमल्स हैं, काव भी मैमल्स हैं क्योंकि काव भी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो सारे मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन है, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर सरक के चलते हैं, जैसे स्नैक है ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं। आगे है डिफरेंस टेस्टिस और ओवरी में। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है टेस्टिस, जबकि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, और टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओवरी जो होते हैं एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। आगे देख रहे हैं वीविपोरस और ओविपोरस। तो वीविपोरस जो, वीविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यंग वन को, यानी कि डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, वो वीविपोरस कैटेगरी में आते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, डॉग है, हुमन्स है, ये सारे वीविपोरस हैं। और ओविपोरस में उनको इंक्लूड किया जाता है जो सिर्फ एग्स देते हैं, मतलब जो बच्चे तो देते हैं बट एग्स के द्वारा जो है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो ओविपोरस में आते हैं। इसमें है आपके हैन है, फ्रॉग है, लिजार्ड है। ठीक है, ये सब पहले एग्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर एग्स से जो है ये ऑफ स्प्रिंग को, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओव्यू
देखो ओबी ओबी मीन्स होता है ओब्यूम, ओब्यूम मीन्स होता है एग, ठीक है। ओब्यूम ओबा चलो, तो फिर आपके डिफरेंशिएट कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस। हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। व्हाई डू फ्रॉग्स ले सो मैनी एग्स इन वाटर? मतलब फ्रॉग्स जो होते हैं वो बहुत सारे एग्स देते हैं, ठीक है, पानी में, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फ्रॉग्स, मतलब ये फ्रॉग्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। मोस्ट ऑफ द एग्स डोंट रीच एडल्टहुड, मतलब वो इसलिए ज़्यादा अंडे देते हैं, इसलिए ज़्यादा एग्स देते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो उनके जो एग्स होते हैं वो एडल्टहुड तक पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी कारण से वो फिनिश हो जाते हैं, या तो कोई एक्वाटिक एनिमल्स जो है उनको फीड कर लेता है, या फिर पानी के लहरों से जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो जो वो हैं ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्ट्रगल करते 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 कुछ तो यंग वन में यानी कि एडल्टहुड तक पहुंच जाए, मतलब एक एडल्ट तक एडल्ट जो है फ्रॉग बन जाए। ओनली सम एग्स डेवलप इनटू एडल्ट, मतलब इतने सारे एग्स में से कुछ ही एग्स जो होते हैं वो एडल्ट एडल्ट की फॉर्म में डेवलप होते हैं, हो पाते हैं, बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग कैन बी चेंज ए किटन इंटू ए कैट बी कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो आपका किटन है कैट बनता है तो क्या ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है? तो बिल्कुल नो, इट इज़ नॉट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, बिकॉज चेंज ऑफ किटन टू कैट, मतलब किटन से कैट जो बनता है, किटन कौन होता है? कैट का बच्चा होता है, उसे किटन कहते हैं। तो किटन से जो कैट बनता है कैन नॉट बी कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, इसको नहीं कह सकते, बिकॉज द किटन लुक्स वेरी सिमिलर टू द एडल्ट कैट, मतलब जो किटन होता है वो एडल्ट कैट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। मतलब हम बिल्ली के बच्चे को देखेंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ली है बिल्कुल, ठीक है, और मतलब डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट अंडर गोज ड्रेस्टिक चेंज, मतलब उसमें कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं होते हैं बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, मतलब एडल्ट बनने से पहले, ये नहीं कि उसमें बदलाव होता है। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो किसी एनिमल के जो बच्चे होते हैं ना वो एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। जैसे फ्रॉग देखे आपने, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, तो फ्रॉग का जो बच्चा होता है, मतलब जो फ्रॉग का टैडपोल होता है वो, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है क्योंकि उसमें बाद में ड्रेस्टिक चेंजेस होते हैं और फिर बाद में वो एक एडल्ट की तरह बनता है। लेकिन हमारे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, ठीक है। सो हमें कभी भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होती है। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी, कैन ए क्लोन बी मेड इन द लेबोरेटरी विदाउट ए फीमेल, मतलब बिना फीमेल के क्या हम क्लोन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने जस्ट पीछे एक क्लोनिंग का प्रोसेस पढ़ा था। क्लोनिंग के लिए क्या होता है? फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लोन कैन नॉट बी मेड विदाउट ए फीमेल, फीमेल के बगैर क्लोन को हम नहीं बना सकते, ठीक है। फीमेल इज रिक्वायर्ड टू अलाउ एक्स, मतलब एक्स के डेवलपमेंट के लिए फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, कैन ए वोमेन विथ ब्लॉक्ड फलोपियन टूब गेट प्रेग्नेंट, मतलब एक जो वोमेन है उसका फलोपियन टूब जो होता है, ठीक है, ये जो एक्स को यूट्रस में लाता है, ये वाले फलोपियन टूब जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? तो नेवर, ठीक है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फलोपियन टूब जो होती है फुल्ली ब्लॉक्ड हो जाती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी जो है तब हो सकती है अगर हम उसका कोई ट्रीटमेंट ले, ठीक है, अगर कोई ट्रीटमेंट ले तो प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे आपके ये है क्रॉसवर्ड पजल है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन होती है, ये रहा। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय द बायनरी फ्यूजन, बायनरी फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है वो है आपका अमीबा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सेक्सुअल। द ऑर्गन पिच
फीटस डेवलप, ठीक है, फीटस जो होता है वो किस ऑर्गन में डेवलप होता है, तो यूट्रस इसका आंसर है। द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, तो टेस्टिस से होता है। द ऑर्गन दैट इंजेक्ट स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, तो पेनिस, पेनिस से जो है फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ए सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, तो सिंगल इंडिविजुअल में एसेक्सुअल टाइप का होता है। द फीमेल गैमेट्स एग होते हैं और मेल गैमेट्स स्पर्म होते हैं। आगे हम देख रहे हैं बेलबिस्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बेलबिस्ट का एक ही क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा वांट टू बी नो वेदर हर डॉटर इन लॉ हु इज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, मतलब इसकी जो डॉटर इन लॉ है वो एक बच्चे बच्चों को चाहती है, मतलब बच्चा जो है प्रोड्यूस करना चाहती है। विल हैव ए बेबी बॉय और ए बेबी गर्ल, मतलब वो चाहती है कि उसका जो बच्चा होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो प्लान करती है सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी डिटरमाइन, मतलब अनबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने का प्लान करती है। मतलब उससे ये जानना है कि भाई उसके जो यूट्रस में बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो मिस्टर लाल, मिसेज लाल जो है वो उनको रोकता है और कहता है, मिसेज शर्मा जो है वो कहते हैं कि दिस इज करेक्ट इन हर डिसीजन, क्या ठीक है, मतलब मिस्टर शर्मा ये उसे करने से रोकते हैं, तो मिस्टर जो लाल हैं क्या एग्जिबिट करते हैं, तो इसका जवाब देना। तो देखो मिस्टर जो मिसेज लाल हैं वो एग्जिबिट करती है गुड थिंग को, ठीक है, बिकॉज वो जानती हैं कि सेक्स जो डिटरमिनेशन है ऑफ ए अनबॉर्न बेबी इज इलीगल, ठीक है। अनबॉर्न बेबी के सेक्स को जानना, ठीक है, मतलब पैदा होने से पहले ये पता लगाना कि मतलब यूट्रस में बॉय है या गर्ल है, तो ये इलीगल है, सो इसलिए वो है उसको मना करती है कि भाई आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्चर टॉक, स्टडी द पिक्चर गिवन इन स्पीक फ्यू लाइन्स, मतलब इस पिक्चर को स्टडी करना है और इस पर कुछ लाइन्स बोलना है, तो इसका आंसर है देखो इन दिस पिक्चर, ठीक है, कैट एंड हर बेबी किटन सोज, मतलब इस पिक्चर में कैट और उसका बेबी किटन सोज मतलब दिखाया गया है। किटन प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड, किटन सेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज़ ए बीबी पोरस, ये बीबी पोरस होता है बिकॉज सी और ही प्रोड्यूस बाय द डायरेक्टली इनटू यंग बन, मतलब ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कंप्लीट है। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स, एंड इफ़ यू वांट टू बी वॉच एनी वीडियो देन गो इन टू डिस्कशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।